is the third video of geology, applied and allied branches. थोड़ा सा important है, ध्यान से सुनिएगा. पहला mining geology. Mining geology में क्या आता है आपके जो applications होते हैं geology के for mining engineering, मतलब mining करने से related जो geology होती है वो mining geology के अंदर आती है. जिससे कि क्या होता है, इस जियोलॉजी के अंदर आप ये स्टडी करते हुए कौन सी साइट सूटेबल होगी माइनिंग करने के लिए, क्वेरिंग करने के लिए. ओके, ये तो फर्दर इस पर्टिकुलर माइनिंग जियोलॉजी के अंदर आता है. नेक्स्ट इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये उन प्रॉब्लम्स रिलेटेड है जो कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से आ सकते हैं. जैसे कि कहीं पर डैम का कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सी जगह सूटेबल होगी डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, तो ये सारी इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर आती है, सारी नॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर आती है. नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजियोलॉजी एंड जियोहाइड्रोलॉजी. ओके, तो इसके अंदर आपका क्या आता है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड सारी जियोलॉजी आती है. ठीक है, एंड ये एक फील्ड है बिटवीन द जियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी. जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी हमने पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बीच में जो जियोलॉजी की जो ब्रांच आती है वो है हाइड्रोजियोलॉजी या फिर जियोहाइड्रोलॉजी. ना तो प्रॉपर जियोलॉजी है ना तो प्रॉपर हाइड्रोलॉजी है, बट ये तो ग्राउंड वाटर के बारे में स्टडी है. आगे बढ़ते हैं रॉक मैकेनिक्स. रॉक मैकेनिक्स में क्या होता है, ये स्टडी होता है विद द बिहेवियर ऑफ द रॉक्स. रॉक्स का कैसे बिहेवियर होता है. अब आप कहेंगे कि रॉक का बिहेवियर कैसे हो सकता है. रॉक का बिहेवियर कुछ इस तरीके से कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या होता है रॉक के अंदर, फ्रॉस्ट एक्शन होता है, हीविंग होती है, तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं रॉक्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट या फिर अकॉर्डिंग टू एनी डायनेमिक और स्टैटिक लोड. आगे बढ़ते हैं जियोफिजिक्स. ये है इंटरेक्शन ऑफ जियोलॉजी एंड द फिजिक्स अप्लाइड टू सर्वे एंड प्रोस्पेक्टिंग. मतलब सर्वे करने के लिए जियोलॉजी और फिजिक्स का कुछ इंटरेक्शन होता है, मतलब जिस स्टडी में आप जियोलॉजी और फिजिक्स का थोड़ा सा इंटरेक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, जियोकेमिस्ट्री. अब इसमें थोड़ा इंटरेक्शन किसका होगा, जियोलॉजी और केमिस्ट्री का. जैसे कि माइग्रेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द अर्थ, के कहाँ से अर्थ में इतने सारे एलिमेंट्स आए, माइग्रेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसके अंदर जियोलॉजी भी आ रही है क्योंकि आप अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, और केमिस्ट्री भी आ रही है. क्यों, क्योंकि आप एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं. समझे, ऐसे जियोफिजिक्स भी है कि सेम टाइम पे आप जियोलॉजी की स्टडी करो, आप फिजिक्स की भी स्टडी करो. आगे बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोकेमिस्ट्री. बायोजियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द रिएक्शंस दैट गवर्न द कंपोजिशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, केमिकल, फिजिकल, बायोजियोलॉजिकल, सारे प्रोसेसेस और सारी रिएक्शंस जो हैं जो कंपोजिट करती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो सब स्टडी किसके अंदर आ जाएगी, बायोजियोकेमिस्ट्री के अंदर. आगे पढ़ते हैं हम मरीन जियोलॉजी. मरीन जियोलॉजी में क्या आता है, जिसको हम ओशनोग्राफी भी कहते हैं, इसके अंदर आती है, इट इन्वॉल्व जियोफिजिकल, जियोकेमिकल, सेडिमेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विद इन द ओशन बेसिन एंड एट द कोस्टल रीजन. हमने पहले आपको बताया था, देखो जियोफिजिकल बता चुके हैं कि जियोलॉजी और फिजिकल चीज़ें दोनों साथ में हो, और जियोकेमिकल जियोलॉजी और केमिकल चीज़ें. सेडिमेंटोलॉजिकल मतलब कि कुछ सेडिमेंट से रिलेटेड, जो ओशन का जो सेडिमेंट है उससे रिलेटेड स्टडी, और पैलेंटोलॉजिकल जो रॉक्स हैं, रॉक्स ऑब्वियसली ओशंस के अंदर भी पाए जाएंगे, तो उनकी स्टडी, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मरीन जियोलॉजी या फिर जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी के अंदर आती है. नाउ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, दिस इज द लास्ट ब्रांच, जियो इन्फॉर्मेटिक्स. ये डेवलप करता है और यूज़ करता है स्पेशियल डाटा को एंड इन्फॉर्मेटिक्स फ्रेमवर्क टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ जियोलॉजी रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी. ये आपने जो स्पेसिफिक डाटा को रिवील किया हो या स्पेसिफिक डाटा को अगर आपने कलेक्ट किया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, उसका फ्रेमवर्क जो होता है वो एड्रेस करता है टू द प्रॉब्लम ऑफ जियोलॉजी रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है, मिनरल के एक्सप्लोरेशन से जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स निकलेंगी वो आप इसमें पढ़ते हो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में. नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज जियोलॉजी इन आर लाइफ. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपको ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसको थोड़ा सा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखिएगा. तो इसमें क्या आता है, नॉलेज ऑफ जियोलॉजी इन एब्सोल्युटली नेसेसरी इज इन फैक्ट एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग फॉर द मोर कम्फर्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन.
मतलब कि मैन के एग्जिस्टेंस के लिए हमारे ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या जियोलॉजी के अंदर आते हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी है, कुछ सीक्रेट्स को रिवील करते हैं, वो हमारी जियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो हमें जियोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन कौन सी वजह रही जिसकी वजह से आज अर्थ की प्रेजेंट फॉर्म बनी। ओके, ओनली थ्रू द नॉलेज ऑफ जियोलॉजी वी कैन अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज टू द मैनकाइंड एंड एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अगर जियोलॉजी की स्टडी हम नहीं करते तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें रिसोर्सेज को फ्रॉम द अर्थ। जियोलॉजी को पढ़ना हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है, और भी कई सारी चीज़ें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होती है, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।